इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। क्या फंक्शन हो रहा है और इसका मतलब क्या है, मतलब समाज के में ये कितना इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स है जी, जिन्होंने संविधान जो है आरएसएस बीजेपी बदलने का ऐलान कर चुके हैं जी। ये समाज के अंदर ये संविधान के माध्यम से बदल कैसा आया जी? हिंदू धर्म के दो भाग हैं, एक वैदिक धर्म है और एक संतों का धर्म है। वैदिक धर्म जो है वो अत्याचारी धर्म है और वैदिक और संतों का धर्म जो है वो भाईचारे का धर्म है। संविधान जो है ये भाईचारे पर आधारित है और आरएसएस बीजेपी जो वैदिक धर्म को मानती है वो अत्याचारी व्यवस्था यहाँ पे लाना चाहती है, उसके खिलाफ का ये सम्मेलन आज का है। सर, ये साहित्य राज पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है करके मैंने सुना था, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग होता है। देखिए, राजनीति सभी से जुड़ी हुई है। जो कोई कहता है कि राजनीति किसी से जुड़ी नहीं तो उसको मैं पागल कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि साहित्य भी राजनीति को ही जन्म देता है और राजनीति जो है वो साहित्य को जन्म देता है, आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, समाज व्यवस्था में बदलाव की बात आती है। तो ये आप मान लीजिए कि ये राजनीति जो है फाउंटेन है, इट्स अ सेंटर ऑफ पावर, और ये सेंटर ऑफ पावर से सब बदलाव होता है। कुछ बदलाव ज़रूरत होती है, कुछ बदलाव को रोकना ज़रूरी है। जैसे कि संविधान की ये जो बदलाव की जो बात आ रही है वो एक गलत हम लोग मानते हैं, वैदिक अत्याचारी व्यवस्था जो है उसी पर आधारित है और उसी को रोकने की बात आज ये लिटरेरी कैंपेन से शुरुआत हो रही है। सर, ये कर्नाटक में जो बदलाव हुआ है, मतलब भाजपा सरकार जो इतनी क्षीणता से जो हारी है, आपको नहीं लगता कि ये साहित्य का कुछ प्रभाव पड़ा है लोगों पे? या देखिए, जो कई संगठन जो है इन्होंने मिल के मेरे ख्याल से एक आंदोलन चलाया था जी। उनकी एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जी, संविधान लोगों को समझाने का जी। और ये संविधान जो है यहाँ के जो संत है जी, इनकी विचारधारा कैसे आगे बढ़ाते हैं जी, इस बात की थी। और वैदिक विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की है वो कैसे मनुवाद इस देश में लाना चाहती है, उसका लोगों के सामने मैं समझता हूँ कि सही दर्शन कई संगठन कई लोगों ने किया और उसका ये परिणाम है कि जो ये संविधान रखना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को जिताया है और बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह से हरा है जी। सर, ये मतलब मेरा कहना है कि साहित्य पूरा भाजपा का अपोजिट है, मतलब उसका विरोध करना चाहता है या ये तो विरोध कर रहा है, ये तो विरोध कर रहा है, सुधारना चाहता है? बिल्कुल नहीं है, वो सीधा ये कह रहा है आरएसएस को कि आपकी जो वैदिक विचारधारा है वो अब चल नहीं सकती है, वो बदल दीजिए, आप उसको बदल दीजिए, संतों की विचारधारा इस देश की जो है उसको अपनाइए और चलिए। सर, कुछ लोग तो बीच में बात कर रहे थे कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल, वही कह रहे थे कि उसी का मैं कह रहा हूँ कि कई संगठनों ने कर्नाटक में बैठ के और दूसरे राज्यों में भी एक आंदोलन चलाया, गाँव देहात देहात बस्ती बस्ती सम्मेलन किए और वहाँ पर ये संविधान जो है ये संतों की विचारधारा कैसे आगे ले जाती है उसी को उन्होंने लोगों के सामने लिया है और इसलिए जो है वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। हो सकता है कि यही परिवर्तन जो है वो आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाई देगा। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।